हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस नॉलेज हब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि कोरोना वायरस का जो चैन सिस्टम है, किस तरीके से ये वायरस आप तक पहुँचने की संभावना है या आप तक ही पहुँचेगा, किस तरीके से इसे इसका प्रसार हो रहा है, इस संदर्भ में आज आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आइए, बनिए बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आज मैंने एक महिला की वीडियो ली है। मैंने एक न्यूज़ में स्टोरी देखी थी, मैंने एक न्यूज़ रिपोर्ट में देखा था कि ये वायरस के जो एक सऊदी अरब से एक महिला आई, उन्होंने किस तरीके से वायरस का प्रसार करा और उनके संदर्भ संपर्क में आने में कितने लोग इससे इंजेक्ट हुए हैं। तो इस सब सब की न्यूज़ की मैं एक छोटी सी पड़ताल करने जा रहा हूँ और आपको मैं इसका इसी में बताने वाला हूँ कि ये वायरस किस तरीके से प्रसार हो रहा है और किस तरीके से आपके पास तक पहुँचने की इसकी संभावना है। तो बने रहिए मेरे साथ, जानते हैं। दोस्तों, एक ये न्यूज़ जो है 10 मार्च के पास की न्यूज़ है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है, ये रियल स्टोरी है बिल्कुल। और इस पे एक इसका आकलन किया गया है, न्यूज़ में बताया गया है इसके बारे में कि किस तरीके से महिला ने पूरे जो इनके आसपास की मिलने वाले थे उनको किस तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस का संपर्क में आए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ इससे कि हम आप लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो लॉकडाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या लॉकडाउन से होने वाला है और क्या ये इसके वायरस के जो इसके प्रसार होने के क्या कारण हैं, ये सब मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। फ्रेंड्स, 10 मार्च को सऊदी अरब से लौटी एक महिला, और ये महिला जो है सऊदी अरब से 10 मार्च में लौटी थी और इन्हें समय समय नहीं पता था इन्हें कि कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। और इनका जो भाई था वो इन्हें वहाँ लेने पहुँचा था एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट लेने के बाद ये 12 मार्च को ये महिला अपने घर आती हैं। 12 मार्च के बाद इनका पता चलता है कि इनके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण हैं, यानी कि इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे अंदर कुछ ऐसा लक्षण है। तो इन्होंने एक स्थानीय डॉक्टर से इलाज कराया। अब स्थानीय डॉक्टर के पास ये गए तो वहाँ से भी कोई बात इतनी क्लियर नहीं हुई उनका, और लगातार इनके जो इसके लक्षण होते हैं कि सिर में दर्द, बुखार, नज़ला, जुकाम, ये लगातार इनका बना रहा और स्थानीय डॉक्टर की जो दवाई दी गई थी उनके द्वारा भी ये ठीक नहीं हो पाया। तो महिला को शक हुआ, तो महिला ने फिर क्या करा, 15 मार्च को ये एक बड़े हॉस्पिटल में गई, उन्हें भर्ती कराया गया। और भर्ती कराने के बाद 17 मार्च में जिनकी जो जांच हुई, जांच में इनका जो कोरोना पॉजिटिव इन्हें पाया गया। अब आगे ये कहानी स्टार्ट होती है जब ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तो अब पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में, देखिए उसके बाद क्या होता है, जब ये वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचती हैं तो इनका कोरोना पॉजिटिव आता है। अब पॉजिटिव आने के बाद अब फिर जब डॉक्टर को पता चले कि कोरोना पॉजिटिव है, आप कहाँ से आए हैं, सऊदी अरब से आए हैं, कौन आपको लेने गया था, आपके घर में कौन कौन सदस्य हैं, किन किन डॉक्टर साहब ने परामर्श लिए, सारी चीज़ें आती हैं सामने। तो जब पता चला जो स्थानीय डॉक्टर साहब थे उन्हें भी इस बात का आभास नहीं था कि इन्हें कोरोना होगा, उन्होंने भी ऐसी लापरवाही में उनका इलाज किया। और उसके बाद क्या हुआ, 20-21 मार्च को जो महिला के जो माँ थी और उसके घर में जो दो बेटियाँ थी, वे भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। और 22 मार्च को जो स्थानीय डॉक्टर की रिपोर्ट आई, जब पता चला कि इन्होंने स्थानीय डॉक्टर से इलाज करवाया है, तो स्थानीय डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब कोरोना पॉजिटिव स्थानीय डॉक्टर पाया गया तो स्थानीय डॉक्टर ने देखा कि मैंने तो घर में कोई सावधानी करी नहीं थी, तो अब उनके घर में चलते हैं। तो कोरोना, देखिए कोरोना की चेन बढ़ती जा रही है। अब स्थानीय डॉक्टर साहब के घर में पहुंचते हैं पहले, तो जब पहले घर में पहुंचने से पहले डॉक्टर साहब अभी हॉस्पिटल में ही थे और उन्होंने इस बीच अभी तक एक आंकड़ा बताया जाए तो 10 से लेकर 100, मतलब 10 मार्च से लेकर अब तक का ना 100 से भी अधिक मरीजों का इलाज कर चुके थे। उन मरीजों के पास तो बाद में पहुंचेंगे, मरीज पता नहीं कहाँ कहाँ के थे, जो भी जहाँ तहाँ के थे। फिलहाल हम हमारे पास है जो डाटा कि ये डॉक्टर साहब घर गए थे और घर जाने के बाद ये जो है हमारे डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब ने अपने घर पहुंचे, पहुंचने के बाद 17 मार्च को डॉक्टर साहब की पत्नी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उनके बाद डॉक्टर साहब की बेटी और बेटों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब डॉक्टर साहब के जो बच्चे थे वो बेटी थी, तो वो इसी बीच में यानी कि 10 मार्च से लेकर अब तक की जब भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है डॉक्टर साहब की, उसके बीच में वो उनकी जो बेटी थी वो भी कई दोस्तों से हमने मिल चुकी थी, कई रिश्तेदारों से मिल चुकी थी, उनके दोस्त जो उसके दोस्त थे वो और कई दोस्तों से मिल सके थे। हो सकता है उसके दोस्त घूम फिर के हमारे भी आस पास में आए हों, सकता है जो रिश्तेदार उनके रिलेटिव हैं वो भी घूम फिर के आए हों। आंकड़ा तो उनका नहीं है मगर ये तो पक्का है कि हाँ वो अपने दोस्तों से मिले थे। अब उन दोस्तों को ढूंढा जाएगा, उनके कोरोना पॉजिटिव हों या निगेटिव हों तो देखने की बात बाद में चलती है। उनके जो बेटे थे डॉक्टर साहब के, वो डॉक्टर साहब के बेटे थे, वो भी इस बीच में कई दोस्तों से मिले, वो उनके दोस्त और दोस्तों से मिले होंगे। तो ऐसे ये चैन बढ़ती जा रही है। अभी बॉक्स खाली पड़े हैं, हो सकता है इनमें और जल्दी नाम आने वाले हों, हो सकता है कुछ में हम में से आप में से आ सके। तो लॉकडाउन इसलिए रखा गया था भारत सरकार द्वारा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अब लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो बना नहीं रहे हैं,
लोग सोच रहे हैं कि ये एक राजनीति है, ये किसी तरीके इस वे में ले जा रहे हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। अब समय ऐसा नहीं चल रहा है कि आप एक दूसरे को ब्लेम करें, आपको सबको साथ लेकर धर्म में व्यवस्थित बना रहना चाहिए। और हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो ला रहे हैं, तो आपका समय तो स्वतः ही व्यतीत हो जाएगा। आप ये वीडियो को देखते रहिए और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। देखिए बात यहाँ पूरी नहीं हुई। अभी क्या होता है, जो महिला का बेटा था जो रिसीव करने गया हुआ था, वो भी 17 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब उस महिला के जो बेटे ने, अब तक क्या क्या होगा, उसने भी तो कुछ किया होगा ना। तो जो महिला का बेटा है, वो महिला का बेटा अपनी कम्युनिटी में गया होगा, और महिला का बेटा इस बीच कई रिश्तेदारों से मिला और उसके दोस्तों से मिला, और वे दोस्त भी कहीं से मिले होंगे। तो ये चेन आगू चलती चली जा रही है। अब ये, अब इसका हमारे पास अपर्याप्त डाटा आया था, डाटा हमारे पास है नहीं ऐसा कि वो किसकी दोस्तों से मिला, कौन कौन थे, अभी सामने नहीं आया है सब कुछ। बाकी ये थे तो सही, हो सकता है हम तुम में से कोई हो सकता है हमारे पड़ोसियों में से कोई हो, अब ये तो पता नहीं कौन हो कौन नहीं। तो इसलिए ये जो आंकड़ा है भारत सरकार का, कहाँ हमारे यहाँ 10 मरीज थे कोरोना के और कहाँ 1000 के आस पास पहुँचने वाले हैं, तो यही कारण है कि हम लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं अपना रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमें तो है ही नहीं, ना बिजनौर जिले में ना उत्तर प्रदेश में तो कोरोना केसेस बहुत कम है। आप सोचते होंगे आपके शहर में तो कोरोना केसेस बहुत कम है, यहाँ तो कोई आया नहीं तो होगा कैसे। तो इसका जो चेन सिस्टम है वो इतना खतरनाक है कि हम सोच भी नहीं सकते कहाँ से हमें कोरोना वायरस मिलने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा ये डीप बात है, इसको बहुत ज़्यादा डीप से सोचना पड़ेगा आपको। आप एक महिला को देख रहे हैं, एक महिला ने कम से कम बिना तो मानते 400 से 500 लोगों को संक्रमित कर चुकी हैं। वे उसमें से कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ निगेटिव हैं। जिन्होंने सावधानी बरती होंगी इनसे मिलने में, इनके बच्चों से मिलने में, डॉक्टर साहब से मिलने में, जो डॉक्टर साहब के इलाज से मरीज जो आए हैं उन्होंने जो सावधानी बरती होंगी, हो सकता है मास्क लगा के गए हों, सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हों, तो वे निगेटिव पाए जाएंगे। मगर जो सावधानी नहीं बरत रहे थे वो पॉजिटिव होंगे ही होंगे, और वे दूसरों को भी पॉजिटिव करेंगे। अभी तक की न्यूज़ के अनुसार पता जो लगाया गया है, पता चल रहा है कि जो महिला थी उन महिला ने भी कम से कम अब तक 74 से अधिक व्यक्तियों को तो मिल चुकी थी वे, और उन 74 व्यक्तियों में पॉजिटिव केसेस भी अधिकतर हैं। और जो डॉक्टर साहब थे वो 100 मरीजों का इलाज कर चुके थे। अब उन 100 मरीजों का इलाज हो चुका था, अब 100 मरीजों की तलाश की जा रही है, वो मरीज कौन कौन थे। अब उनका पता चलेगा तो वे भी जरूर पॉजिटिव पाए जाएंगे, उनके फिर वे मरीजों के रिश्तेदार भी होंगे। क्योंकि इस समय लॉकडाउन से पहले की बात, 22 मार्च से पहले की बात बता रहा हूँ सारी। तो 22 मार्च से जो पहले था कोई लॉकडाउन नहीं था, आने जाने पर कोई आवाजाही पर कोई बंदिश नहीं थी। अभी तो हुई है ना ये लॉकडाउन, पहले नहीं था ना। तो पहले ये लोग घूमे होंगे, जो मरीज हैं वो 100 मरीज गए होंगे, 100 रिश्तेदारों से मिले होंगे, उनके 100 रिश्तेदारों से मिले होंगे, दोस्तों से मिले होंगे। फिर लॉकडाउन की बात सुनने में आ रही थी 22 तारीख में कि लॉकडाउन होगा, तो लोगों ने घर में सामान भरना इकट्ठा करा, लोग एक जगह इकट्ठे होने लगे भीड़ों पर दुकानों पर। तो हो सकता है आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे पड़ोस में मैं या और भी कोई हो सकता है, कोई भी इससे संक्रमित हो सकता है। बट आप अपना 14 दिन का पीछे का बैकग्राउंड देखिए, आपके जो लास्ट के 14 दिन हैं उनमें कोई आपको ऐसा लक्षण तो नहीं दिखा आपके अंदर। अगर ऐसा नहीं है तो आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, बने रहिए कमरे में बंद, बिल्कुल कहीं ना जाइए, किसी के दूर ना मिलिए। लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट जो बता रही है, उस रिपोर्ट के अनुसार अभी तक के जो कोरोना केसेस पाए गए हैं, देखिए उसमें जो इस न्यूज़ की बता रहा हूँ, तो जो महिला से जो आई थी सऊदी अरब से, एक तो वो पॉजिटिव, 4 उनके जो घर वाले पॉजिटिव, डॉक्टर साहब पॉजिटिव, डॉक्टर साहब की पत्नी और बेटी पॉजिटिव, और महिला के बेटे पर बड़ा खतरा है वो भी पॉजिटिव। अब महिला जिन लोगों से मिली वो 75 थे, और भाई के जो जिनके संपर्क में आया, महिला का जो भाई था वो जिन लोगों के संपर्क में आया वो भी 100 के आसपास हैं, और ये जो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने इलाज किया वो भी 100 के, ये 283 तो न्यूज के अनुसार बिल्कुल पॉजिटिव है। अरे मैं मानता हूँ ये लोग घर पे नहीं बैठे होंगे 22 तारीख से पहले, ये सारे लोग भी मिले होंगे जरूर किसी न किसी से, कोई नहीं बैठ रहा था 22 तारीख के बाद, मोदी जी का आह्वान के बाद ही तो आप लोग घर पे रुके हो, उससे पहले कोई नहीं रुका था। तो ये भी लोग कहीं ना कहीं संक्रमित हैं। अब 283 हैं, 283 लोग, अगर एक आदमी भी अगर 10-10 आदमी से मिला होगा तो इसी से गुणा कर लो, 2830 तो ऐसे बैठ रहे हैं। अभी 2830 भी मिले होंगे, घर तो कोई बैठ नहीं रहा था ना, लोगों में जागरूकता तो थी नहीं बिल्कुल भी भारतीयों में। ये सोच रहे थे कोरोना तो मजाक का विषय है, मजाक कर लीजिए, कुछ नहीं होगा ना। तो देखिए बहुत गंभीर विषय है। मेरा कहना आपसे केवल इतना है, जितनी भी सरकार की गाइडलाइंस हैं वो उनको फॉलो करते रहिए। मेरा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है या किसी को पैनिक करना नहीं है, केवल एक न्यूज़ से हमें एक अकल लेनी है, एक न्यूज़ से हमें संदर्भ लेना है कि हाँ इस न्यूज़ के इनमें जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल सत्य है, और ये हो सकता है। अब ये चैन बहुत आगे तक जा सकती है, जो बॉक्स पड़े हैं इनमें आपका नाम भी आ सकता है। तो कृपया इन खाली बॉक्सों में आने की कोशिश ना करें, अपने खाली कमरे में रहें, बाहर निकलने की चेष्टा ना करें बिल्कुल भी,
और जितने भी 14 दिन का ये जो मोदी सरकार ने वो बनाया है इसको फॉलो करें, लॉकडाउन के फॉलो करें। दोस्तों देखो वीडियो का अंत होता है और मैं जो है इस विषय पर, कोरोना वायरस और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे सब्जेक्ट इस समय चल रहे हैं करंट में, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप तक पहुँचाने, मैं लगातार इन पर रिसर्च कर रहा हूँ और जल्दी से जल्द आपके पास अपडेट, ताज़ा अपडेट पहुँचाता रहूँगा। दोस्तों आप हमारे अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए और मोदी सरकार की जो जो पहल की गई है लॉकडाउन वाली, इसको पूरा करने के लिए अपने घर पर बैठकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यूट्यूब बॉक्स में जाएं, MS नॉलेज टाइप करें, वहाँ हमें ये आपको इस तरीके का आइकन मिलेगा MS का, और फिर सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद आप हमारे चैनल पर विभिन्न प्रकार की वीडियो पाएंगे जो भी रिलेटेड है, जो भी जिस तरीके का स्टूडेंट, मैंने सारी वीडियोस में डाल रखी है, जिसे रिक्रूटमेंट की आवश्यकता है, रिक्रूटमेंट की जो नॉलेज चाहिए वो यहाँ से भी देख सकते हैं, और जो कोरोना वायरस का लेटेस्ट जो भी अपडेट है वो मैं डाल रहा हूँ समय समय पर। उसके बाद जो है आपको कोई CCC से रिलेटेड है तो आप CCC से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखी है, इसके एग्जाम हो। ऐसा ना सोचे कि 23 लॉकडाउन है तो ये लॉकडाउन ही रहेगा, 14 तारीख के बाद हो सकता है संभावना और अच्छी हो जाए। तो आप जारी रहिए, अपनी प्रिपरेशन बनाए रखिए और पढ़ाई लगातार करते रहिए, स्टडी पे फोकस कीजिए, और एक दिन ऐसा आएगा फिर से व्यवस्था अच्छी हो जाएंगी, सारी चीज़ें दोबारा से सुचालू हो जाएंगी, तो फिर से आपको एग्जाम एग्जाम की अपनी तैयारी करनी। तो आप इस समय का लाभ उठाइए, घर पर ऐसा हाथ पाथ करके ना बैठिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार हमें वीडियो देखते रहिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करिए, समय का सदुपयोग करिए। धन्यवाद।